भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हुआ, जहां नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर पहला कदम रखा। वहीं कुनू नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा। इसके साथ ही रिकॉर्ड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। आपको बता दें कि कुनू में प्रधानमंत्री के 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। वहीं पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला और चीते बाहर आते ही अंजान जंगल और अपने नए घर में सकपकाए सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। चीतों में लंबे सफर की थकान साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपना भाषण दिया, जहां उन्होंने कहा कि हमने उस समय को भी देखा जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया। साथ ही कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक सार्थक प्रयास नहीं किए। आज आजादी के अमृत काल में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। एक ऐसा काम राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, इसके पीछे हमने वर्षों ऊर्जा लगाई, चीता एक्शन प्लान बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने नामीबिया के एक्सपर्ट के साथ काम किया, पूरे देश में वैज्ञानिक सर्वे के बाद नेशनल कुनू पार्क को शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय नहीं है, हमारे लिए ये सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।